प्रभावी नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी अब इकतालीस बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, एक गाना गा रहे थे जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके ये हंसता हुआ कारवा जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे खत्म हो न कभी ये सफर। जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है, हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप कितने तक? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई कट्ठा ही कर लो गल्ला गल्ला, नहीं देखो देखो सर एक ही कर लेते हैं, बच्चे को दे दीजिए। सुन रहे थे और अनिल विज अम्बाला की उस चार सीटों पर बड़ा वर्चस्व रखते रहे जो अम्बाला छावनी में है विधानसभा की, वो चार सीटें अनिल विज के लिए हमेशा काम करती आई हैं और इस बार भी दावा किया जा रहा है इतनी एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो एग्जिट पोल्स के सर्वे उन सभी उनके बावजूद अनिल विज का ये दावा ठोक के कि वो ये चार सीटें बीजेपी को जीत कर देंगे और इस बारे में भी वो बात करते हैं तो बात वो करते हैं सीएम की कुर्सी के लिए भी। प्रेम व्यास जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रेम व्यास जी ये सब तो अभी बीजेपी में होता नहीं था, कांग्रेस पार्टी में हमने देखा अन्य दलों में देखा कि सीएम बनने के लिए पहले ही अपनी इच्छा को जाहिर कर देना, अब ये बीजेपी में भी होने लगा है? देखिए कहां ऐसा कोई भी एक नेता बताइए जिनने खुले तौर पर मंच से खुद को सीएम कैंडिडेट स्वीकार किया कि तो पहलवानों की आज नाराजगी है या ऐसा है पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अधे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुनाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है नाराजगी होगी किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। ऋषभ इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे आएंगे फैक्ट्री खोलेंगे फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे फिर उसमें से धुआं निकलेगा फिर देखते हैं जलेबी आती है। ऋषभ इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है? हां ऐसे ही रहेगा आप देखना। अभी अभी ये जो है ना जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे, उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं फिर उनकी स्कैनिंग होती है फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है दूसरे पर गिनती हो रही है, ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में? और फरीदाबाद से हमारे साथ अनिल राठी जुड़ गए। अनिल इस वक्त फरीदाबाद में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए थे तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से जो है वो मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के देखिए बल्लभगढ़ से जो प्रत्याशी हैं मूलचंद शर्मा वो लगभग 5500 वोटों से आगे हैं, पिथला की बात कर जाए तो टेकचंद शर्मा जो है वो लगभग 2500 वोटों से आगे हैं, राजेश नागर की बात कर जाए तो वो भी जो है वो लगभग 2000 से ऊपर वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, और वहीं फरीदाबाद 89 विधानसभा की बात कर जाए तो विपुल गोयल भी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए साथ ही साथ जिस तरीके से और नैटी की बात करी जाए तो वहां पे नीरज शर्मा कांग्रेस के आगे हैं, लेकिन बड़खल में जो है वो दिनेश अदलखा जो कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के हैं तो वो आगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को पहले राउंड में जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल, और इलेक्शन की जो काउंटिंग है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है फरीदाबाद में, इलेक्शन सेंटर्स पर किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन काउंटिंग की बात करी जाए तो देखिए हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो फरीदाबाद का जिक्र हो रहा था, विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं टेक चंद शर्मा, पहले राउंड के बाद 1838 वोटों से आगे चले। बड़खल विधानसभा के पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार धनेश अदलखा 2503 वोटों से आगे चल रहे। इस तरीके से जो पल पल की अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी देखिए, बम पटाखे फूटना शुरू हो चुके हैं, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। और सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे फिरोज जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है आप फिरोज जी, जिक्र वही अनिल जी के पास पहले रुख करते हैं। अनिल जी, क्या तस्वीरें वहां पर, जैसा कि आशीष भी पूछ रहे थे कि काउंटिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं, तो क्या